स्टूडेंट फोर्थ ईयर क्लास बीएससी एबीपी लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्हीनियस एसिड बेस कांसेप्ट, आज हम उसकी दूसरी एसिड बेस के हवाले से बेटा थ्योरी पढ़ रहे हैं कि ब्रोंसफेट लोरिक एसिड बेस कांसेप्ट के ब्रोंसफेट और लोरिक एसिड और बेस के बारे में बेटा एक कांसेप्ट दिया जिसको बेटा केमिस्ट्री में ब्रोंसफेट लोरिक एसिड बेस कांसेप्ट के नाम से जाना जाता है। 1923 के अंदर बेटा जे एम ब्रोंसफेट जो कि बेटा डेनमार्क का एक साइंटिस्ट था और एल एम लोरी इंग्लैंड से बेटा एक साइंटिस्ट था, उसने बेटा दोनों ने बेटा एक ही एसिड और बेस की बेटा डेफिनेशन की। डेफिनेशन के हवाले से अगर बेटा बात करें तो उन्होंने डिफाइन किया कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है बेटा जिसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो अपना प्रोटॉन क्या करे, डोनेट। एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन। अब प्रोटॉन बेटा एक भी डोनेट कर सकता है, दो भी कर सकता है, दो से ज्यादा भी कर सकता है, मतलब ऐसे सारे सब्सटेंस जो एक या एक से ज्यादा प्रोटॉन को क्या करें डोनेट कर दें वो बेटा क्या कहलाते हैं एसिड कहलाते हैं। जबकि बेटा बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है बेटा जो एबिलिटी रखता है प्रोटॉन को गेन करने की और एक्सेप्ट करने की। लोरी ब्रोंसफेट का एसिड बेस कांसेप्ट बेटा में क्या बताता है, ये बताता है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बेटा क्या करता है प्रोटॉन डोनेट करता है, जबकि बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमेशा प्रोटॉन को एक्सेप्ट या गेन करता है। इसको बेटा एक दूसरा नाम दिया गया प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड डोनर एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अगर कभी आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम क्या होता है या व्हाट इज प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड डोनर एसिड बेस कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली बेटा ब्रोंसफेट लोरी का बेटा जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है बेटा उसका एक दूसरा नाम दिया गया प्रोटॉन एक्सेप्टर डोनर एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एक ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर जो एसिड है बेटा वो क्या करता है सब्सटेंस की प्रॉपर्टी रखता है और वो क्या करता है अपना प्रोटॉन डोनेट करता है, जबकि बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर वो जो प्रोटॉन है उसको एक्सेप्ट या गेन करता है, और इसके बेटा दूसरा नाम रखा गया प्रोटॉन एक्सेप्टर डोनर एसिड बेस कॉन्सेप्ट, या इसको आप लोग जस्ट प्रोटॉन एक्सेप्टर डोनर सिस्टम भी कह सकते हैं। अब देखिए बेटा मैंने इक्वेशन लिखी है कि अगर आपके पास क्या हो बेटा कोई टिपिकल एसिड हो बेटा एच ए बेटा एसिड है और बी बेटा बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेटा हमने देखा कि एसिड एच ए है तो ये अपना प्रोटॉन एच हाइड्रोजन आयन बेटा क्या करेगा डोनेट कर देगा, तो बेटा ये एच बी पॉजिटिव बना लेगा और बेटा ये नेगेटिव बना लेगा। अब इस इक्वेशन के अंदर बेटा एच ए क्या है हमारे पास एसिड है, जबकि बेटा बी क्या है हमारे पास बेस है, एसिड का काम प्रोटॉन डोनेट करना है, बेस का काम उसको एक्सेप्ट करना है। एच ए बेटा एसिड है ये अपना प्रोटॉन बेटा क्या करेगा इसको बेटा डोनेट कर देगा, तो ये यहाँ पर बेटा क्या करेगा आपके पास बेस जो चीज दे रही है बेटा वो आपके पास एसिड जो एक्सेप्ट कर रहा है बेटा वो हमारे पास बेस हो गया। दूसरी तरफ अगर बेटा देखें तो मैंने बेटा रिवर्सिबल का साइन लगाया है और हमने देखा बेटा कि ए नेगेटिव है जबकि बेटा एच बी क्या है बेटा पॉजिटिव। अगर हम बेटा इस इक्वेशन को रिवर्स में लेकर आए ए और एच बी का बेटा दोबारा से रिएक्शन करवाए क्योंकि बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो बेटा मैंने दोनों का रिवर्सिबल का साइन लगाया है बेटा, जब ये वापस आएगा तो इस केस में बेटा अगर हम देखें तो बेटा एच बी जो है बेटा वो प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, जबकि बेटा ए नेगेटिव क्या है इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन्स को बेटा एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी। अब जो बेटा एसिड हमने ये कांसेप्ट पढ़ा कि एसिड हमेशा प्रोटॉन डोनेट करता है जबकि बेटा बेस क्या करता है एक्सेप्ट करता है। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर देखें बेटा तो इसके अंदर जो बेटा बेस है वो ए नेगेटिव है जबकि बेटा एसिड क्या है एच बी पॉजिटिव। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि रिवर्स में जो बेटा ए नेगेटिव है वो बेटा एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन, जबकि बेटा एच बी पॉजिटिव क्या कर रहा है बेटा डोनेट कर रहा है। जबकि बेटा अगर इस तरफ देखें हम लोग लेफ्ट साइड पर बेटा तो आपके पास बी क्या है बेस, तो अगर बेटा जो एसिड
अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा बेस के साथ रिवर्स रिएक्शन में, बेटा वो बेस बन जाएगी और जो बेटा एसिड होगा वो बेस, मतलब रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा और इसके अंदर बेटा कंजुगेट हो जाएगा। अब इसके अंदर बेटा ए नेगेटिव क्या है, बेस, क्योंकि ये अपना प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, नेगेटिव है बेटा और नेगेटिव बेटा बेस को वो करता है, तो बेटा ये कहलाएगा अपना कंजुगेटेड बेस। जबकि जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करने की बेटा रखता है वो बेटा उस एसिड का कंजुगेट एसिड कहलाएगा। इस टर्म को बेटा दोबारा से समझते हैं, हमने बेटा अभी डेफिनेशंस पढ़ी कि ब्रोंस्टेड लॉ ये सिर्फ बेस कांसेप्ट कि बेटा एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, जबकि बेटा बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। एग्जांपल देखिए बेटा, हमने एक टिपिकल एसिड है HCl, ये दोनों मिलते हैं बेटा ए नेगेटिव और HB पॉजिटिव बनाते हैं, तो जो बेटा एसिड है HA वो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, जबकि बेटा बेस जो है वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को। अगर हम बेटा इसको रिवर्स रिएक्शन के अंदर लेकर जाएं तो फिर बेटा क्या होगा, ए नेगेटिव बेस का काम करेगा, HB पॉजिटिव क्या करेगा, एसिड का काम। तो इस केस में बेटा ये जो ए नेगेटिव है इसको बेटा बोलेंगे कंजुगेट बेस, और जबकि बेटा HB पॉजिटिव है इसको बेटा बोलेंगे कंजुगेट एसिड। तो कंजुगेट एसिड और बेस का कांसेप्ट भी बेटा हमें ब्रोंस्टेड लोरी के कांसेप्ट से पता चलता है कि रिवर्स रिएक्शन के अंदर जब आपके पास जो बेस है बेटा वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो वो बेटा कंजुगेट बेस कहलाएगा प्रोडक्ट के अंदर बेटा, जबकि जो बेटा डोनेट करेगा वो बेटा आपके पास कंजुगेटेड एसिड रिप्रेजेंट होगा। कुल मिलाकर बेटा बात यह है कि लोरी ब्रोंस्टेड ये कहता है कि जो चीज प्रोटॉन डोनेट करेगी एसिड, जो बेटा रिसीव करेगा प्रोटॉन वो आपके पास देगा। अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो जो बेटा बेस एक्सेप्ट कर लिए बेटा तो वो कंजुगेट बेस कहलाएगी, और जो बेटा एसिड प्रोटॉन डोनेट कर रहा है बेटा वो क्या कहलाएगा, कंजुगेट एसिड कहलाएगा। ये बेटा एक ही रिएक्शन के अंदर प्रोटॉन दो शिफ्ट भी हो रहे हैं और दो बेटा एक्सेप्ट भी हो रहे हैं, तो ये बेटा एसिड बेस और ये बेटा उनके कंजुगेट एसिड और बेस। उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं कि आपके पास बेटा आगे एग्जांपल्स भी कर देते हैं बेटा, कैसे अंदर मजीद बेटा समझ में आएगा कि आपके पास ये कैसे होता है। अगर बेटा क्या करते हैं HCl को बेटा वाटर के साथ मिला तो बेटा हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव और प्लस बेटा आपके पास Cl नेगेटिव। अब देखिए बेटा H दे रहा है प्रोटॉन वाटर को, जो चीज बेटा देती है मतलब जो चीज बेटा अपना प्रोटॉन लूज करता है मतलब देता है बेटा वो एसिड, जो एक्सेप्ट करता है वो बेटा बेस। अब देखिए बेटा हाइड्रोनियम आयन और Cl नेगेटिव के अंदर हाइड्रोनियम आयन हमें पता है बेटा H3O पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन इसके पास है तो ये क्या करेगा अपना प्रोटॉन रिवर्स रिएक्शन के अंदर दोबारा से बेटा इसको डोनेट कर देगा और ये बेटा क्या करेगा एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसके अंदर बेटा जो हाइड्रोनियम आयन है वो बेटा कंजुगेटेड एसिड है, जबकि बेटा जो क्लोराइड है वो बेटा क्या है कंजुगेटेड बेस है। इसी तरह बेटा और हमारे पास एग्जांपल्स हैं बेटा, अगर आप क्या करते हैं एसीटेट एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दे तो बेटा क्या करेगा, एसिड या प्रोटॉन अपना डोनेट कर देगा इसको, तो बेटा हमारे पास बच जाएगा एसीटेट आयन और प्लस बेटा हमारे पास NH4 बेटा बन जाएगा। अब ये बेटा हमारे पास क्या है NH4 पॉजिटिव है, ये बेटा क्या होगा कंजुगेट एसिड, जबकि बेटा जो चीज एक्सेप्ट करने की पॉसिबिलिटी रखती है वो बेटा क्या करेगा हमारे पास कंजुगेटेड बेस। तो ये बेटा हमारे पास है कि जो चीज अपना एसिड दे देगी वो बेटा एसिड कहलाएगा प्रोटॉन्स, और जो बेटा एक्सेप्ट करेगा वो हमारे पास बेस कहलाएगा, और रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो चीज एक्सेप्ट करने की पॉसिबिलिटी रखती होगी बेटा वो उसका कंजुगेट बेस कहलाएगा, जो बेटा प्रोटॉन डोनेट करने की पॉसिबिलिटी रखती होगी वो बेटा हमारे पास क्या कहलाएगा एसिड। इसी तरह बेटा आगे चलते हैं और देखते हैं बेटा कि कुछ आपके पास बेटा एम्फोटेरिक एसिड एंड बेस।
अब देखिए बेटा, हमें पता है कि एम्फोटेरिक बेटा क्या होते हैं, जो बेटा प्रोटॉन सॉरी जो बेटा एसिड और बेस बेटा दोनों का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बेटा हम लोग क्या करते हैं, HCl को बेटा हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, बेटा हमारे पास बचता है सॉरी व्हाट HCl प्लस बेटा H2O, तो बेटा ये हमारे पास बेटा बचता है H3O पॉजिटिव प्लस बेटा हमारे पास आता है HCl नेगेटिव। अब देखिए बेटा एम्फोटेरिक एसिड बेस क्या होते हैं, ऐसे बेटा एसिड बेस मतलब एम्फोटेरिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो बेटा एसिड और बेस बेटा क्या करें दोनों का काम है। अब अगर बेटा हम इसके अंदर देखें तो बेटा HCl और वाटर का बेटा मिलते हैं तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है प्लस बेटा HCl नेगेटिव। अब ये जो बेटा हमारे पास हाइड्रोनियम आयन है बेटा ये एक ही टाइम में एसिड का किरदार भी बेटा अदा कर रहे हैं जबकि बेटा बेस का भी क्या कर रहे हैं। देखिए H3O पॉजिटिव है ये दे भी सकता है प्रोटॉन और वापस बेटा क्या कर सकता है ले भी सकता है, तो बेटा ऐसा कंपाउंड जो बेटा एसिड और बेस दोनों की बेटा प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे वो बेटा हमारे पास एम्फोटेरिक एसिड बेस कहलाता है। एम्फोटेरिक स्पीशी एम्फोटेरिक एसिड बेस बेटा ऐसा कंपाउंड जो बेटा एक ही टाइम में क्या करे एसिड और बेस बेटा दोनों का काम करे वो बेटा हमारे पास एम्फोटेरिक स्पीशी कहलाता है। अब HCl और वाटर जब हमने मिलाया तो बेटा आपके पास हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई और प्लस बेटा क्लोराइड आयन की। अब हाइड्रोनियम आयन जो है बेटा वो क्या करता है एसिड का भी बेटा कैरेक्टर रखता है और प्लस बेटा बेस का भी कैरेक्टर रखता है, तो ये बेटा हमारे पास एग्जांपल है एसिड बेस मतलब एम्फोटेरिक एसिड बेस। इसी तरह का हमारे पास है अगर हम बेटा क्या करते हैं वाटर के साथ बेटा NH3 का रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा हमारे पास बचता है NH4 पॉजिटिव प्लस बेटा OH नहीं है। अब देखिए बेटा इसके अंदर हमारे पास क्या है बेटा वाटर अमोनिया अमोनिया के पास बॉन्ड पेयर होता है बेटा, तो ये क्या करेगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा बेटा अमोनिया आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस बेटा OH बेस। अब ये जो बेटा आपके पास NH4 है ये बेटा क्या है एम्फोटेरिक स्पीशी है, एक ही टाइम में अपना एसिड का किरदार भी बेटा अदा कर रहा है जबकि बेटा बेस का भी यही कैरेक्टर शो कर रहा है कि प्रोटॉन दे भी सकता है प्रोटॉन वापस ले भी सकता है। तो बेटा ऐसी स्पीशी जो प्रोटॉन एक ही बेटा रिएक्शन के अंदर प्रोटॉन गेन भी करे और बेटा लूज भी करे मतलब कि एसिड और बेस बेटा दोनों का कैरेक्टर कंटेन करे वो बेटा आपके पास एम्फोटेरिक बेस है। इसी तरह बेटा आपके पास क्या है बस बेटा आप लोगों ने इसके अंदर जस्ट ये चीजें कर दी हैं कि बेटा ब्रॉकली लोरी कांसेप्ट ने बेटा मतलब कौन से साइंस से ये कांसेप्ट दिया उसके बाद बेटा एसिड क्या चीज है बेस क्या चीज है एसिड बेटा ऐसी चीज है तो बेटा एसिड ऐसी सब्सटेंस होते हैं बेटा जो क्या करते हैं प्रोटॉन डोनेट करते हैं जबकि बेटा बेस क्या होता है बेटा जो प्रोटॉन गेन करता है एक्सेप्ट करता है। इसको बेटा आप लोग लॉरी कांस्टेंट कैसे भी बेटा बोल सकते हैं और लॉरी कांस्टेंट बेस भी बेटा कह सकते हैं। अगर बेटा कभी डेफिनेशन पूछ ली जाए कि व्हाट इज कांस्टेंट लॉरी एसिड तो बेटा द सब्सटेंस व्हिच हैज एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन इज कॉल्ड कांस्टेंट लॉरी एसिड सॉरी कांस्टेंट लॉरी एसिड। अगर बेटा ऐसा सब्सटेंस जो बेटा क्या करे प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करे बेटा वो आपके पास लॉरी ब्रॉन्स्टेड या ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस भी कहलाता है। तो ये बेटा आपको सही दो डेफिनेशन पूछी जा सकती है। उसके बाद बेटा आपके पास कंजुगेटेड एसिड बेस का कांसेप्ट था कि बेटा जो एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करे बेटा वो क्या करता है एज अ बेस के तौर पर भी यूज हो सकता है। तो अगर बेटा हम लोग देखें कि इस कांसेप्ट के अंदर बेटा HCl है H2O है HCl अपना प्रोटॉन दे रहा है हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कर रहा है प्लस बेटा क्लोराइड आयन की। अब हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कंजुगेट एसिड क्लोराइड कंजुगेट बेस अब क्या है बेटा रिवर्स रिएक्शन के अंदर ये अपना प्रोटॉन उसको दे देगा जबकि बेटा क्लोराइड क्या है एक्सेप्ट कर लेगा तो ये बेटा आपके पास बेस कहलाता है और ये बेटा आपके पास दूसरा हाइड्रोनियम आयन है एसिड के तौर पर काम करता है। इसी तरह बेटा हम लोग ये देख सकते हैं कि आपके पास एम्फोटेरिक स्पीशी भी बेटा बन सकती है। कैसे HCl वाटर को बेटा मिलाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। अब हाइड्रोनियम आयन बेटा एसिड का कैरेक्टर भी रखता है बेस का भी रखता है। अगर प्रोटॉन दे देगा तो बेटा एसिड का कांसेप्ट अगर बेटा गेन कर देगा तो फिर बेटा बेस का कांसेप्ट। इसका मतलब यह हुआ बेटा कि जो हाइड्रोनियम आयन है वो एम्फोटेरिक स्पीशी है वो बेटा
प्रोटॉन देती भी है और मतलब दे भी सकती है और लेने की भी कैपेबिलिटी रखती है। तो ये बेटा आपके पास हो गया एम्फोटेरिक स्पीशीज। उसके बाद बेटा एडवांटेज की तरफ चलते हैं कि ब्रोंस्टेड लोरी कांसेप्ट के बेटा एडवांटेज क्या है। तो देखिए बेटा, हमने आर्गेनियस के अंदर ये पढ़ा था कि एसिड एक ऐसी स्पीशीज है जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वाटर की फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल अगर बेटा HCl को आप लोग वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो बेटा आपके पास H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन। इसी तरह बेटा अगर आप KOH को बेटा डिसॉल्व करते हो तो बेटा आपके पास पोटेशियम और प्लस बेटा OH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होगी। एसिड के लिए लाजमी शर्त है जो प्रोटॉन एग्जिस्ट करे, जबकि बेटा आर्गेनियस के कांसेप्ट के मुताबिक बेटा जो बेटा बेस होगी वो क्या करे OH नेगेटिव आयन एग्जिस्ट करे। ये उसकी क्या थी बेटा लिमिटेशन थी। जब बेटा लोरी ब्रोंस्टेड ने इसको मतलब यूज किया बेटा तो उसने ये कहा कि एसिड और बेस के लिए बेटा ये शर्त लाजमी नहीं है। मतलब कि ब्रोंस्टेड लोरी का जो एसिड बेस का कांसेप्ट है बेटा वो आर्गेनियस से क्या है सुपीरियर है बेटा, क्योंकि बेटा इसके अंदर हम लोग बहुत सारे प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स लाइक अमोनिया है बेटा HFO के भी बेटा एसिड या बेस के रूप में बेटा डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह बेटा हमने लिमिटेशंस आर्गेनियस की पढ़ी थी बेटा कि गैस फेज के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा इसको यूज नहीं कर सकते। आर्गेनियस ने यही कहा था कि एसिड और बेस के लिए लाजमी शर्त है कि एक्वस सॉल्यूशन, जबकि बेटा गैसेस फेज के अंदर बेटा किसी भी एसिड बेस का कांसेप्ट बेटा आप लोग नहीं दे सकते। लेकिन बेटा आपके पास जो लोरी ब्रोंस्टेड है बेटा उसके अकॉर्डिंग बेटा गैसियस फेज के अंदर भी बेटा ये सारी चीजें एप्लीकेबल हो सकती हैं। ऐसे बेटा बहुत सारी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल बेटा HCl गैस है, अमोनिया गैस है, तो ये बेटा क्या कर सकते हैं गैसियस फेज के अंदर भी बेटा क्या करते हैं HCl गैस और बेटा अमोनिया गैस मतलब NH3 बेटा ये बेटा दोनों एसिड और बेस कैरेक्टर शो करते हैं। तो ये बेटा उसका दूसरा एडवांटेज था सुपीरियर आर्गेनियस से। उसकी वजह बेटा यही है कि जो आर्गेनियस का कांसेप्ट है वो जस्ट और जस्ट बेटा एक्वस सॉल्यूशन के लिए, वो कभी भी बेटा गैसेस फेज के लिए या किसी और सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एथर के लिए बेटा वो शो नहीं करता। तीसरी बेटा है कि जो बेटा आर्गेनियस ने हमें दी थी बेटा बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं बेटा आर्गेनियस के कांसेप्ट के अंदर जो बेटा एसिड और बेस का फिनोमेना शो नहीं करते, जबकि बेटा जो आपके पास लोरी ब्रोंस्टेड का बेटा एसिड बेस कांसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग बेटा करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास अमोनिया है, अमोनिया बेटा कभी भी आर्गेनियस के मुताबिक एसिड बेस का कांसेप्ट शो नहीं करते। इसी तरह बेटा फास्फेट है, ये बेटा क्या है एसिड बेस है, लेकिन आर्गेनियस के मुताबिक बेटा ये चीजें एसिड बेस नहीं है, क्योंकि बेटा ये प्रोटॉन या बेटा OH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर नहीं करते। लेकिन आर्गेनियस पूरी थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस का कहते हैं कि ये दोनों चीजें बेटा क्या है एसिड। इसी तरह बेटा लास्ट बेटा चौथी है कि व्हाटएवर एनी स्पीशीज दैट इज क्लासिफाइड एज एन एसिड बाय आर्गेनियस रिमेंस एज एसिड इन द ब्रोंस्टेड लोरी। The same is true for basic. बेटा ऐसी स्पेशी जो बेटा आर्गेनियस के मुताबिक एसिड होगी बेटा वो बेस की भी प्रॉपर्टी रखती होगी। मतलब अगर एक चीज प्रोटॉन डोनेट कर रही है बेटा तो आर्गेनियस के मुताबिक उसके अंदर बेटा एक्सेप्टर भी मौजूद होगा। लाइक अगर बेटा HCl और वाटर मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो बेटा उसके अंदर ये एसिड का काम कर रहे, मतलब ये चीज इसको प्रोटॉन डोनेट कर दिया बेटा तो वो एसिड है। अगर किसी भी आर्गेनियस के मुताबिक कोई भी चीज अगर प्रोटॉन डोनेट करके एसिड का कैरेक्टर शो कर रही है तो उसके अंदर लाजमी शर्त है कि उसके अंदर बेस का कैरेक्टर भी मौजूद होगा। ये बेटा आपके पास आर्गेनियस सॉरी ब्रोंस्टेड लोरी का बेटा एसिड बेस कांसेप्ट है कि हमेशा प्रोटॉन बेटा वही होगा सॉरी एसिड बेटा वही चीज होगी जो क्या करेगी बेटा प्रोटॉन को डोनेट करेगी, क्योंकि बेटा बेस की ऐसी स्पीशीज होगी जो एक्सेप्ट करेगी। म्यूटेशंस बेटा हम लोगों ने डिस्कस की, म्यूटेशंस के अंदर हम लोगों ने बेटा ये बात पढ़ी कि जो बेटा ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कांसेप्ट है बेटा वो सुपीरियर है किससे बेटा आर्गेनियस से, क्योंकि बेटा आर्गेनियस का कांसेप्ट जस्ट हमें सॉल्वेंट्स या एक्वस सॉल्यूशन की प्रेजेंस को कंपलसरी करता है। अगर उसकी बेटा कंपलसरी मतलब चीजें नहीं होंगी बेटा तो उसके अंदर ये चीज डिस्कस नहीं होगी। उसके बाद बेटा लिमिटेशंस हैं, द मोस्ट सीरियस लिमिटेशन ऑफ दिस कांसेप्ट इज दैट इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिड बेस रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन एप्रोटिक एंड नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड BF3 BRF3 TC
in which no transfer of proton takes place. अब देखिए बेटा, एक बेटा इसका डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज बेटा ये है कि SO2 है बेटा, NH3 है, BF3 है बेटा, ये बेटा लीवलेस कॉन्सेप्ट एसिड ऑफ बेस के मुताबिक ये बेटा क्या है, एसिड बेस। अब इसके अंदर बेटा NH3 और BF3 बेटा जब एसिड या बेसिक रिएक्टर शो करते हैं तो इसके अंदर बेटा प्रोटॉन की शिफ्टिंग नहीं होती। जबकि आगे इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग लीवलेस एसिड बेस का कांसेप्ट डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम बेटा देखेंगे कि NH3 और BF3 बेटा क्या है, एसिड बेस है, लेकिन इनके अंदर प्रोटॉन की शिफ्टिंग नहीं होती। लॉरी एसिड बेस कांसेप्ट हमें एक ही चीज पर बेटा वो कहता है कि प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो, जो चीज प्रोटॉन देगी वो एसिड, जो एक्सेप्ट करेगी वो बेस। लेकिन बेटा इसके अंदर अगर हम देखें बेटा तो NH3 और BF3 बेटा क्या करते हैं, अपना लोन पेयर शिफ्ट करके एसिड और बेस का रिएक्शन शो करते हैं। ये बेटा हमें लीवलेस एसिड बेस का कांसेप्ट इसके बारे में मालूम आ जाएगा, वो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर मतलब अगले लेक्चर के अंदर बेटा हम पढ़ेंगे। तो ये बेटा आपके पास एक ही उसकी लिमिटेशन है कि बेटा ये ऐसे बेटा कुछ कंपाउंड्स है, सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा, BF3 है, BRF3 है बेटा, ये क्या करते हैं बेटा एसिड का बेस का बेटा रिएक्ट करते हैं। लेकिन बेटा क्या है कि इसके अंदर प्रोटॉन की शिफ्टिंग नहीं होती। अगर बेटा प्रोटॉन की शिफ्टिंग ना हो तो फिर ब्रोंस्टेड ब्रोंस्टेड डोरी एसिड का कांसेप्ट क्या करता है, गलत हो जाता है। लेकिन बेटा ये NH3 SO2 बेटा आपके पास हो गया, BF3 बेटा हो गया, ये बेटा एसिड और बेस का कांसेप्ट करते हैं। तो इसको बेटा इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। एक बार बेटा दोबारा से हाईलाइट कर देते हैं, ब्रोंस्टेड डोरी एसिड बेस का कांसेप्ट बेटा हमें ये कहता है कि ऐसी सब्सटेंस जो प्रोटॉन को डोनेट करे एसिड, जो एक्सेप्ट करे वो बेस। अब एक ही रिएक्शन के अंदर अगर बेटा आपके पास क्या हो, टिपिकल एसिड आ जाएगा तो उसी के अंदर कंजुगेट एसिड और बेस का कांसेप्ट भी होगा। कंजुगेट एसिड बेटा क्या होगा, कंजुगेट बेटा एसिड वो होगा कि जो पहले तो प्रोटॉन डोनेट करे, ये बेटा क्या करे प्रोटॉन को, जैसे बेटा आपके पास ये है HClH2O है, हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन है। अब इसके अंदर बेटा HCl क्या है, एसिड है, वाटर बेस है, ये अपना प्रोटॉन इसको डोनेट करेगा। अगर आप बेटा रिवर्स रिएक्शन के अंदर आ जाए तो फिर बेटा यही जो आपके पास एसिड था वो बेटा क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि बेटा बेस वो क्या कर रही है, प्रोटॉन को डोनेट कर रही है। ये जो बेटा कांसेप्ट है ये बेटा हमें उसकी कंजुगेशन के बारे में बताता है कि ये कंजुगेटेड एसिड है, ये बेटा कंजुगेटेड बेस है। इसी तरह बेटा एम्फोटेरिक स्पीशी, एम्फोटेरिक स्पीशी बेटा है ऐसी स्पीशी होती है जो एसिड और बेस दोनों का काम करती है। HCl एंड वाटर मिले बेटा हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन प्लस बेटा क्लोराइड आयन। इसी तरह बेटा वाटर है, अमोनिया है, NH4 plus OH, NH4 बेटा क्या कर रही है, एसिड का काम भी कर रही है और बेटा बेस का काम, ये बेटा आपके पास एम्फोटेरिक स्पीशी होगी। इसी तरह बेटा एडवांटेज की बात करते हैं बेटा, इससे बहुत सारे एडवांटेज थे। एडवांटेज पहला बेटा ये था कि ये एक्वस सॉल्यूशन का की बेटा महदूद नहीं रहता, ये ऐसे भी सॉल्यूशन को डिस्कस कर सकता है जिसके अंदर वाटर मौजूद ना। फॉर एग्जांपल बेटा HCl है, इसके बाद बेटा NH3 है बेटा, इसके अंदर अगर आप लोग वाटर की या एक्वस सॉल्यूशन यूज नहीं भी करेंगे तब भी बेटा क्या होगा, इसके लिए होगा। इसी तरह बेटा हमने आरएनएस के अंदर ये बात करी थी कि बेटा उसे लिमिटेशंस के अंदर कि गैसेस फेज का लाजमी मतलब अगर गैसेस फेज होगा तो वो आरएनएस एसिड बेस नहीं होगा, जबकि बेटा अमोनिया गैस या बेटा HCl गैस है ये बेटा एसिड हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड रूल, लेकिन आरएनएस ये कहता है कि ये एसिड नहीं। इसी तरह बेटा अमोनिया और बेटा फॉस्फेट आयन की भी बेटा आरएनएस कांसेप्ट है, ये उसके बारे में भी बेटा बात की थी, ये भी बेटा क्या है इसके गर्वेस है। इसी तरह बेटा कोई ऐसी चीज बस ये बेटा लिमिटेशन यहां पर खत्म हुई बेटा। इसी तरह बेटा लास्ट लिमिटेशन है कि सॉरी ये तो बेटा एडवांटेज हो गया, लिमिटेशन का आपने ये है कि NH3 और बेटा BF3 ये या बेटा SO2 ये भी बेटा एसिड और बेस का कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन इसके अंदर प्रोटॉन की शिफ्टिंग नहीं होती। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि ब्रोंस्टेड डोरी के मुताबिक हर वो चीज एसिड होगी जो प्रोटॉन शिफ्ट करेगी और जो एक्सेप्ट करेगी वो बेस, लेकिन इसके अंदर ना तो प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है बल्कि इसके अंदर लोन पेयर की शिफ्टिंग होती है, वो इंशाल्लाह आप लोगों को लीवलेस एसिड बेस कांसेप्ट के अंदर हम लोग बात डिस्कस करेंगे। तो ये बेटा उसकी क्या है लिमिटेशन। तो ये बेटा आपके पास हो गया ब्रोंस्टेड डोरी एसिड बेस का कांसेप्ट, इसके थ्रू बेटा आज हमने ये पढ़ा कि कौन सा इसके लिए कौन सा बेस है, एप्लीकेशंस पढ़ी और सॉरी एडवांटेज पढ़ी बेटा कि कौन कौन से इसके एडवांटेज है, और ये बेटा थ्योरी
एक और नाम से भी बेटा जानी जाती है, प्रोटॉन एक्सेप्टर डोनर रिसीवेस कंसेप्ट या प्रोटॉन एक्सेप्टर डोनर सिस्टम ही बेटा इसको कहा जाता है। इसी तरह डोनर रिसीवेस का कंसेप्ट और ये आपके पास देख लीजिए। अच्छा बेटा जी, अच्छा चले ठीक है बेटा, दोबारा से लिमिटेशन को बेटा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा अर्लीनियस ये कहता है कि जो चीज एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एच पॉजिटिव आयन पैदा करेगी वो एसिड जो कि बेटा नहीं करेगी वो आप लोगों के पास क्या होगी बेटा, बेस होगी। अच्छा बेटा देखें, हमने बेटा ये बात पढ़ी कि एसिड अर्हीनियस के मुताबिक एक ऐसा मतलब स्पीशी होगी या हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा जो एच पॉजिटिव आयन क्रिएट करे, जबकि ब्रॉन्सटेन डोरी हमें ये कहता है कि जो आपके पास एसिड होगा वो एक ऐसी स्पीशी होगी जो प्रोटॉन डोनेट करे और बेस बेटा एक ऐसी स्पीशी होगी जो एक्सेप्ट करे और इसके लिए एक्वस सॉल्यूशन का लाजमी होना नहीं है। जबकि अर्हीनियस ये कहता है कि हमेशा आपके पास एक्वस सॉल्यूशन मौजूद हो, तो ये बेटा उसकी सबसे पहला एडवांटेज है कि लोरी ब्रॉन्सटेड इस कांसेप्ट के लिए ये शर्त कभी भी लाजिम नहीं है कि उसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन मौजूद हो। दूसरी बड़ी एप्लीकेशन ये है कि हमने ये पढ़ा था कि गैसियस फेज के अंदर अर्हीनियस एसिड बेस का कांसेप्ट अप्लाई नहीं होता, वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए होता है। जबकि बेटा HCl गैस अमोनिया गैस है बेटा, ये क्या होता है दोनों गैसियस फेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ये बेटा एसिड और बेस का कांसेप्ट शो करते हैं, तो ये बेटा उसकी दूसरी एडवांटेज हो गया कि अर्हीनियस के मुताबिक हमेशा एसिड वही होगा जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन को पैदा करेगा, जबकि यहां पर बेटा क्या है एक्वस सॉल्यूशन का लाजमी होना नहीं है, गैसियस फेज के अंदर भी बेटा क्या हो सकता है इसकी हो सकता है। इसी तरह बेटा बहुत सारी ऐसी हमने बेसिक मतलब बेसिक क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी बेटा अर्हीनियस के अंदर कि उसके लिए एक्वस सॉल्यूशन का लाजमी होना। इसी तरह बेटा NH3 है, ये बेटा एक्वस सॉल्यूशन इसके लिए लाजमी शर्त नहीं, ये बेटा गैसियस फेज के अंदर भी एसिड और बेस का कांसेप्ट शो कर सकता है। इसी तरह बेटा और है, ये तो बेटा ऑब्वियसली एडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये है बेटा कि हमने ये पढ़ा कि प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो, प्रोटॉन डोनेट हो, प्रोटॉन एक्सेप्ट हो, लोरी ब्रॉन्सटेड एसिड बेस हो। अब बेटा BF3 है ये और बेटा अमोनिया मिलकर बेटा आपके पास कुछ इस तरीके का बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड शो करते हैं BF3। अब अमोनिया बेटा क्या करता है अपना लॉन्ग पेयर डोनेट करता है, BF3 बेटा क्या करता है एक्सेप्ट करता है। अब अमोनिया प्रोटॉन भी शिफ्ट नहीं कर रहा, BF3 प्रोटॉन एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, अमोनिया बेटा एसिड है जबकि बेटा BF3 क्या है बेटा बेस। अब इसके अंदर बेटा प्रोटॉन की शिफ्टिंग नहीं हुई जबकि हमने ये बुलाया कि प्रोटॉन की शिफ्टिंग ही ब्रॉन्सटेन डोरी एसिड बेस कांसेप्ट देते हैं, तो ये बेटा उसकी लिमिटेशंस है कि इस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सटेन डोरी वही एसिड जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वही बेस जो एक्सेप्ट करेगा, जबकि बेटा NH3 और BF3 NH3 बेटा एसिड का काम करता है, BF3 बेटा बेस का काम करता है। अब NH3 और BF3 के दरमियान बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, लॉन्ग पेयर को शेयर करने के बाद बेटा ये प्रोसेस होता है मतलब एसिड और बेस का, तो ये बेटा उसकी लिमिटेशंस है कि वो जस्ट और जस्ट बेटा क्या करता है उन्हीं चीजों को डिस्कस करता है, उन्हीं एसिड बेस को बेटा डिस्कस करता है जिसके अंदर प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो और प्रोटॉन की बेटा एक्सेप्टेंस। अगर बेटा प्रोटॉन की डोनर या एक्सेप्टर का कांसेप्ट नहीं होगा तो वो ब्रॉन्सटेड डोनर के मुताबिक एसिड या बेस नहीं होगा। और
हाँ जी बेटा, एडवांटेज बेटा यही है कि आपके पास ये गैसियस बेस के लिए भी बेटा यूज हो सकता है। देखिए बेटा, आर्हेनियस हमें ये कहता है कि एसिड बेटा वही होगा जो सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही क्या करेंगे बेटा, प्रोटॉन करेंगे। अब अमोनिया है बेटा, गैस फॉर्म में भी हो सकती है। एचसीएल है बेटा, ये दोनों क्या है बेटा, गैस है। गैस होने के बावजूद भी बेटा ये क्या करती है बेटा, एसिड और बेस का कंसेप्ट करती है। अभी हमने उसकी इक्वेशन को भी डिस्कस किया था। ये देखिए H2O और अमोनिया को बेटा जब आप मिलाएंगे तो अमोनियम आयन और OH के बाद, अब अमोनियम आयन बेटा क्या है, कंजुगेटेड एसिड और OH बेटा बेस है। तो ये मिला चाहिए। इसके अलावा बेटा कोई क्वेश्चन दो। एडवांटेज बेटा एक ही है कि सल्फर डाइऑक्साइड है, BF3 है या बेटा BrF3 है बेटा, ये प्रोटॉन शिफ्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी बेटा क्या है, एसिड और बेस है। तो ये बेटा उसकी लिमिटेशन है। एडवांटेज बेटा वही है कि एक्वा सॉल्यूशन हो ना हो, ठीक है, एसिड बेस हमें पता चल जाता है। गैसियस फेज हो बेटा तब भी हमें पता चल जाता है। और आर्हेनियस के मुताबिक जितने भी एसिड थे वो ब्रोंस्टेड डोरी के मुताबिक भी बेटा एसिड और बेस है। तो मतलब ये थ्योरी बेटा उससे प्रायोरिटी रखती है और उससे बेस्ट है। अच्छा बेटा, ये आप लोग बेटा ये बता दें कि नोट्स सबको मिल गए हैं। नोट्सों के हवाले से बेटा काइंडली कंफर्मेशन का। चलिए जी, ठीक है बेटा। और बाकी बच्चों को बेटा, जिन जो जो बच्चे बेटा हैं शामिल, वो भी बेटा ये बता दें कि आप लोगों को नोट्स मिल गए हैं। बेटा सारे बच्चे काइंडली मैसेज भी बेटा बता दें कि आप लोगों को बेटा नोट्स सब बच्चों को बेटा मिल गए हैं। चलिए ठीक है बेटा, ओके ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। जल्द से जल्द बेटा नोट्स मंगवा लें और बेटा इनको करें। अब इसके अंदर बेटा हम लोगों ने एसिड बेस की बेटा डेफिनेशंस, अच्छा इसके अलावा बेटा एम्फोटेरिक स्पीशी बेटा क्या होती है, लिमिटेशंस और बेटा एडवांटेज। ठीक है बेटा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ये आप लोगों ने बेटा जितना बेटा पॉसिबल हो सके जल्दी बेटा आप लोगों ने नोट्स मंगवा लें। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया बेटा। इंशाल्लाह आप लोगों से बेटा मंडे वाले दिन मुलाकात होगी। और बेटा टेस्ट आप लोग बेटा काइंडली जितना बेटा जल्दी हो सके आप लोग बेटा सब करवा दें, ताकि बेटा आप लोगों को चेक करके वापस दे दें। बेटा पढ़ा करें, मेहनत करें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। बहुत शुक्रिया।